हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे नेट बैंकिंग पासवर्ड क्या होता है। नेट बैंकिंग पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो किस तरीके से इसको आप जो है फॉरगेट कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग पासवर्ड का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो को साथ एंड तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम एक एप्लीकेशन में हैं जिसमें अभी लॉगिन या फिर अगर आप साइन अप करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं या फिर अदर कोई भी प्रोसेस करते हैं तो नेट बैंकिंग पासवर्ड पूछा जाता है, अगर पेमेंट वगैरह भी करते हैं तो पासवर्ड आपका नेट बैंकिंग का कौन सा होता है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जो है एटीएम की पिन लगा देते हैं या फिर कोई काफ़ी सारे लोगों के पास पासवर्ड नहीं होती है। तो नेट बैंकिंग आपका जो भी बैंक है उसका नेट बैंकिंग के आपको जो है आईडी और पासवर्ड यानी यूज़र नेम और पासवर्ड आपको बैंक की तरफ से मिलती है, ठीक है। तो नेट बैंकिंग का अलग पासवर्ड होता है, एटीएम या फिर यूपीआई का जो पिन हम बनाते हैं वो अलग होता है, ठीक है। तो आपका जो पासवर्ड है वो कैरेक्टर्स का होता है, मतलब यहाँ पे नंबर भी हो सकते हैं, लेटर भी हो सकते हैं। ये आपको बैंक की तरफ से मिलता है, अगर आपने नेट बैंकिंग बैंक के थ्रू एक्टिव की है तो उसमें आपको यहाँ पे बैंक ही देता है। बाकी अगर प्राइवेट किसी बैंक में आपने अकाउंट खोला हुआ है जैसे HDFC वगैरह, तो उसमें आपको जो किट मिलती है उसमें आपको ये सारा पासवर्ड वगैरह यूज़र नेम देखने को मिल जाता है। तो आपका जो भी बैंक है उस वेबसाइट पर आपको चले जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको उसके चले जाना है, और यहाँ पे आपको उस बैंकिंग की जो है नेट बैंकिंग वाले पेज पर चले जाना है। जैसे HDFC का है तो आप यहाँ पे HDFC नेट बैंकिंग सर्च करेंगे, आपका जो भी होगा उसको आप सर्च कर देना। इसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, ये पेज आ जाएगा जो भी आपका बैंक है एक नंबर पर। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कस्टमर आईडी और यूज़र आईडी, तो आपके पास यूज़र आईडी कस्टमर आईडी होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे वो डालोगे तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और कंटिन्यू पर क्लिक करने पर यहाँ पे देखिए जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ यूज़र आईडी हमने डालने के बाद, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा और यहीं से आप जो है अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास पासवर्ड है नहीं, तो फॉरगेट पासवर्ड पिन का ऑप्शन है, यहाँ से आप कर सकते हैं। बस एग्जांपल के तौर पर आपकी जो भी बैंक होगा उसका आपको सेम सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे करना होगा। बाकी अगर आपके पास यूज़र नेम भी नहीं है, पासवर्ड भी नहीं है, तो उसके बाद बैंक से ही कॉन्टैक्ट करना होगा, वहीं से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चीज़ें मिल जाएगी। वीडियो अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।